दोस्तों आपको लगता होगा कई बार कि भाई मेरे पास ये वाली गाड़ी है ब्रेजा या मेरे पास कोई गाड़ी नेक्सॉन है तो मुझे कौन सी किट लगवानी चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। BS6 में नई नई किट्स के अप्रूवल आ चुके हैं, आपके मीजो के हैं, मोटोजन के हैं, लोवेटो के हैं और अपकमिंग ब्रांड्स हैं जो अप्रूवल लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट वाइज फर्क क्या होता है। जैसे कि मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये है मारुति की ब्रेजा जो कि BS6 में हाइब्रिड में आती है और नॉन हाइब्रिड में आती है। तो ये वाली जो गाड़ी है ये नॉन हाइब्रिड है, इसके अंदर हमने CNG का इंस्टॉलेशन किया है। आज मेरे पास करीबन जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हमने लगाए हैं। इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया है लोवेटो का जो COBD2 मॉडल है और कस्टमर की चॉइस थी कि मेरे को अपनी गाड़ी में लोवेटो लगवाना है। आज मैं आपको पार्ट वाइज फर्क बताता हूँ। ये जो ब्रेजा है एक इसके अंदर लगाया हमने लोवेटो, एक और ब्रेजा है जिसके अंदर हमने लगाया है मीजो। जो फिटिंग की क्वालिटी है, जो फिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, सबके अंदर सेम है, चाहे वो कोई भी किट लगाते हैं हम। फर्क पड़ता है पार्ट्स की क्वालिटी का। यहाँ पर मैं आपको पार्ट वाइज बता देता हूँ। जो लोवेटो है जिसका रिड्यूसर जो है वो सिंगल स्टेज में कर दिया है, पहले इसका डबल स्टेज आता है बट इसका सिंगल स्टेज भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो COBD2 का जो ECM है उसकी मैपिंग बहुत अमेजिंग होती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस, पिकअप, माइलेज बहुत बढ़िया आता है। खैर इसकी टेस्ट ड्राइव तो हम कर चुके हैं। गाड़ी के अंदर फिलहाल गैस भर के आ चुकी है। गैस भरने का जो फीलिंग पॉइंट है वो हमने बैक साइड से भी दे रखा है। एक बार पीछे वाला पॉट खोल दिए सर। अगर हम गाड़ी के अंदर जब गैस फिल कराने जाते हैं तो यहाँ पर ब्रेजा गाड़ी के अंदर आप यहाँ से भी गैस फिल करा सकते हैं, ये आपको बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर इसके अंदर लगाया हमने 12 किलो का। 12 किलो लगाने के बाद बूट स्पेस काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर ये बूट स्पेस निकल गया है, कितना भी लगेज इसमें आप रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस कार के ओनर से तो उन्होंने इस गाड़ी को करीबन 4 घंटे लगे हैं फिटिंग कराने में। 4 घंटे लगे हैं सर? बिल्कुल। तो अभी फिलहाल कहाँ से आए सर आप? मैं आया हूँ उत्तराखंड, जसपुर से। उत्तराखंड से आए आप स्पेशल किट लगवाने के लिए? जी जी जी। तो कैसा काम लगा सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम लगा। परफॉर्मेंस कैसी आ रही गाड़ी की? बहुत बढ़िया। वैसे इससे बड़ा ब्रांड हमारे पास है भी नहीं जो आपने लगवाया है। और गाड़ी का जो नंबर है ये है आपका बाहर का नंबर है, हम फाइल बना के देंगे और RC वाला काम भैया खुद कराएंगे। तो ये तो रहा कि हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया है लोवेटो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो और गाड़ियाँ हैं उनमें कैसे कैसे किट लगा रहे हैं सर, आप जा सकते हैं। तो जैसे ये गाड़ी खड़ी है ये है नेक्सॉन, इस गाड़ी ये भी BS6 गाड़ी है। अभी तक जो भी हमारे पास अप्रूवल्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने लगाई थी इसके अंदर मीजो, मोटोजेन। आज जो है हम इसमें लोवेटो लगाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लोवेटो लगा चुके हैं। रिड्यूसर बिल्कुल सेम है, रिड्यूसर आपका सिंगल स्टेज का रिड्यूसर है और इसमें ECM जो है वो ECM आपका स्मार्ट 2 के नाम से ECM आया हुआ जो कि ये 48 पिन का ECM है। लोवेटो के मार्केट में 2 मॉडल हैं, एक मॉडल आता है आपका COBD जो सिर्फ ब्रेजा में पास है, एक मॉडल आता है आपका स्मार्ट 2। स्मार्ट 2 जो है वो आपका मारुति के अंदर भी पास है, वेन्यू में भी पास है और आपका नेक्सॉन में भी पास है, जितनी भी 1200 cc गाड़ियाँ दोनों में पास है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी वो तो खैर इस कार के ओनर बताएंगे जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे। मैं थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरे पास ये 2 गाड़ी खड़ी हैं, इन गाड़ियों में क्या काम कर रहे हैं। एक गाड़ी खड़ी है हमारे पास बलिनो जो कि है BS6 गाड़ी और ये 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है, इसके अंदर हम किट लगा रहे हैं मीजो। फिटिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहे हैं जो कि आपका 8 इंजेक्टर का एडवांस ECU है जो इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बिकॉज चार इंजेक्टर होते तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, 8 इंजेक्टर तो इसको लगाना पड़ेगा। पार्ट वाइज मीजो के सारे सेम है और ये गाड़ी खड़ी है मेरे पास वरना BS6 और BS6 में किट लगाना वरना में थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा टेढ़ा काम है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 4 इंजेक्टर इंस्टॉल नहीं होंगे, इसमें 8 इंजेक्टर इंस्टॉल होंगे। और इसका जो ECU लगा रहे हैं वो बहुत हाईफाई ECU लगा रहे हैं, बहुत हाई एंड ECU है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है मेड इन इटली, यानी कि 8 इंजेक्टर का ECU। ये सेम ECU आपका लोवेटो के अंदर निकलता है जो कि आपका 8 इंजेक्टर वाली किट है, बट वो बहुत कॉस्टली किट है, बट सेम ECU है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क आता है इंजेक्टर्स का और रिड्यूसर का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास 2-4 गाड़ियाँ और खड़ी हैं जिनके अंदर हम लगा रहे हैं डिफरेंट किट्स। एक ब्रेजा और है जिसमें ट्यूनिंग के लिए गई हुई है, उसको भी मैं अभी बताता हूँ कि जो अभी वाली ब्रेजा थी और उस वाली ब्रेजा में क्या क्या पार्ट्स में फ़र्क है, आप मेरे साथ आइएगा। हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो ये जो वरना गाड़ी है इसमें लगाना पड़ेगा 14 kg का सिलेंडर और जो बलिनो गाड़ी है इसमें लगाना पड़ेगा 12 किलो का सिलेंडर, क्योंकि जो 14 किलो का सिलेंडर वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाता है और आपका बूट स्पेस बहुत अच्छा खासा बचने वाला है इस गाड़ी के अंदर। और जो आपका बाकी गाड़ियां हैं बंद कर दो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि एक मेरे पास ब्रेजा थी जिसके अंदर हम लगाया था लोवेटो का COBD, एक ये ब्रेजा है इसके अंदर हम लगाया है मीजो।
और एक बार खोल देना सर ये, गाड़ी ट्यून हो चुकी है। गाड़ी हमारे जो टेक्नीशियन है वो इसको बिल्कुल ट्यून करके आ चुके हैं। अभी आपने फिटिंग का देखा था, अब मैंने आपको दिखाया था लोवेटो का। यहाँ देखिए आप, मीजो लगाई हुई है इसके अंदर, और यहाँ पर मीजो का जो रिड्यूसर है वो डबल स्टेज रिड्यूसर है। ECM जो है वो BS6 के हिसाब से डिजाइंड है। ये 48 पिन का ECM है। इंजेक्टर्स अंदर की तरफ लगे हुए हैं, और जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी वायरिंग जो है वो ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दी। यहाँ पर लगाया हुआ हमने गैस का फिलिंग वॉल्व, जहाँ से आप गैस को फिल करा सकते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर बैक साइड से कितना बूट स्पेस बचा है, बाकी फिलिंग वॉल्व कहाँ लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। खोलना सर ये पीछे वाला, जैसा कि मैंने उस गाड़ी में लगाया था पीछे वाला वॉल्व, यहाँ भी इस गाड़ी के अंदर लगाया हमने बैक साइड वाला वॉल्व। गैस को फिल कराते वक्त आपको पंप पे जाओगे तो यहाँ से आप आराम से गैस फिल करा सकते हो। बहुत अच्छी फिनिशिंग साथ में लगा हुआ है ये, आपको आगे फ्रंट में बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की, तो सेम बूट स्पेस इसके अंदर निकलता है जो कि इस वाली ब्रेजा में निकला था। बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड्स हैं, सब कुछ सेम है, और बस फर्क होता है आगे पार्ट्स का। यहाँ से आप स्टेपनी नीचे से निकाल सकते हैं इजीली। अब इस कार के जो ओनर हैं वो भी इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं, तो जो पहले वाली गाड़ी थी उसमें भी बहुत बढ़िया चल रही थी, इससे भी पूछ लेते हैं। सर आपने गाड़ी को ड्राइव किया इसको? नहीं भैया, अभी तो इतना चलाया नहीं। कितना चला? 1 किलोमीटर। ये इस कार के ओनर हैं जो इस गाड़ी को ड्राइव करके आए। सर कैसी गाड़ी चली आपकी? गाड़ी तो अच्छी चली है सर। कोई फर्क पेट्रोल CNG का? ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। तो देखो फीडबैक दोनों का सेम आता है, पार्ट्स का थोड़ा बहुत फर्क आता है। लोवेटो एक बड़ा ब्रांड है, सारे पार्ट्स उसके बाहर के हैं, ये एक इंडियन ब्रांड है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, बट चलने का फर्क बिल्कुल नहीं आएगा। चलने में सेम होती है, एवरेज सेम होती है, यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप भी इसी ड्राइव के साथ बैठ के अपने ड्राइव को भी बना सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।